नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। खजुराहो के मंदिर को डैमेज कर रहा केमिकल स्ट्रक्चर को खतरा, इंजीनियर्स बोले सिलिकॉन पॉलिश खतरनाक। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर के रखरखाव का काम कर रहा है। हर 10 साल में एएसआई का साइंस डिपार्टमेंट मंदिरों के पत्थरों पर एक खास तरह के केमिकल का छिड़काव करता है ताकि मंदिर के पत्थरों की चमक बरकरार रहे, लेकिन इसके उल्टे नतीजे दिखाई दे रहे हैं। एएसआई जिस केमिकल का इस्तेमाल कर रहा है वह मंदिरों की सुंदरता को खराब कर रहा है। कई जगहों पर मूर्तियों की ऊपरी परत खराब होकर सफेद पड़ गई है। केमिकल एक्सपर्ट का कहना है कि मंदिर बलुआ पत्थर सैंडस्टोन से बने हैं। इनके रखरखाव के लिए जो केमिकल इस्तेमाल हो रहा है वो क्षारीय बेस प्रकृति का है। एएसआई के अधिकारियों का कहना है कि रखरखाव का काम उनकी साइंस विंग करती है। जिस केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है वो पूरी तरह से जांचा परखा है। खजुराहो के मंदिरों में जाकर इस पूरे मामले की पड़ताल की। 10 साल में एक बार होती है पत्थरों की सफाई। यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल खजुराहो के मंदिर बलुआ और ग्रेनाइट पत्थरों से बने हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 10 साल में एक बार इनकी सफाई करता है। इसके लिए खास तरह के केमिकल का इस्तेमाल होता है। इस केमिकल से काले पड़ चुके पत्थरों की सफाई होती है। इसकी एक पूरी प्रक्रिया है। एक मंदिर की सफाई में करीब 2 साल का वक्त लगता है। यहाँ 25 मंदिर है। इस हिसाब से देखा जाए तो हर दिन किसी ना किसी मंदिर की सफाई का काम एएसआई की तरफ से किया जाता है। इस समय वंतगेश्वर मंदिर में सफाई का काम चल रहा है। मूर्तियों पर चढ़ी सफेद परत, घिसने से टूट रहा पत्थर। तो पाया कि भले ही मंदिरों की मूर्तियों की साफ सफाई का काम किया जा रहा है, लेकिन सफाई के कुछ सालों बाद पत्थर पर सफेद रंग की परत चढ़ रही है। इनकी चमक भी पहले से कम हो रही है। कई मंदिरों की परतें भी उखड़ी हुई देखने को मिली। सिलिकॉन बेस्ड केमिकल का किया जा रहा है इस्तेमाल। मंदिर की साफ सफाई के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है वह सिलिकॉन बेस्ड है। सॉल्वेंट लेस प्रक्रिया के लिए इसी केमिकल का इस्तेमाल होता है। ये केमिकल सिलेनोलॉक्सेन नाम के केमिकल के मिश्रण से बना है। इसे कार्बनिक सॉल्वेंट्स के साथ पतला किया जाता है। केमिकल को जल विरोधी माना जाता है। एक तरह से ये पानी को पत्थर के भीतर जाने से रोकने के लिए लगाया जाता है। एक्सपर्ट के मुताबिक खजुराहो के मंदिर एक के ऊपर एक कर रखे गए पत्थरों के ब्लॉक से बनाए गए हैं। पत्थरों को लोहे के क्लैप से जोड़ा गया है। इस कारण मंदिर में बारिश का पानी आसानी से घुस जाता है। नमी को बाहर निकालने के लिए मंदिरों में हवा के प्रवेश का रास्ता भी सीमित है। यदि नमी बनी रहेगी तो इससे पत्थर कमजोर होगा और मूर्तियों के खराब होने का खतरा बना रहेगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया। दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन। शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।